वैसे तो लोग फ्लाइट से थाईलैंड जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ सालों में आप इंडिया से अपनी गाड़ी और बाइक चलाकर थाईलैंड जा सकेंगे? कोलकाता बैंकॉक हाईवे बिम्स्टेक के तहत ये प्रोजेक्ट 2027 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2002 में इस इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे को प्रपोज किया था और आज BRO ऑलरेडी मणिपुर के मोरे से म्यांमार के कायलमो तक रोड मेंटेन करता है और इसी रोड को फ्यूचर में मोरे से कोलकाता एक्सटेंड कर दिया जाएगा और कालेमियो से एक्सटेंड करके बैंकॉक से कनेक्ट किया जाएगा। इन टोटल 2,800 किलोमीटर का ये हाईवे इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया की ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे में ट्रांसफॉर्म करने में सक्षम होगा। दोस्तों, आज म्यांमार में मिलिट्री रूल एंड नॉर्थ म्यांमार में चाइनीज सपोर्टेड मिलिशियाज इस हाईवे के सबसे बड़े स्पीड ब्रेकर्स हैं।